Nurturing excellence. Good evening, students. We welcome you all in our Abacus Academy. Today we will solve June RMC paper of 2022. Okay. हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अभी देखना, इसको लिखते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना क्या होता है. 2401 क्या होता है, 7e power 4. ठीक है, एंड 6561 क्या होता है, 9e power 4. ठीक है, 6561 क्या होगा, 9e power 4. ठीक है, अभी देखो हम लिखते हैं 9 upon 7. ठीक है, 5 5 -3 की पावर 2 विल बी इक्वल टू 6561 की क्या लिख सकते हैं, 9e power 4 अपॉन में 7e power 4. ठीक है, देखो 9 upon 7, 5 5 -3, क्योंकि देखो ये क्या है, 49 का स्क्वायर, ये क्या है, 81 का स्क्वायर. ठीक है, ऐसे कर लेते चलो. ठीक है, 49 का स्क्वायर और 81 का स्क्वायर, लो अभी बात तो सेम रही, 81 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर. ठीक है, अब देखो 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 का स्क्वायर, और 49 को क्या लिखते हैं, 7 का स्क्वायर. 81 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 का स्क्वायर क्या हो गया. ठीक है, अभी समझ में आया, तो 9 स्क्वायर अपॉन में 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, अभी देखो, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो. ठीक है, 9 upon 7, 5 5 -3 विल बी इक्वल टू 9 upon 7 की पावर होल पावर 2, क्योंकि यहाँ ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, तो होल पावर 2 लिख देते हैं. तो देखो 5 5 -3 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर. क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, 9 upon 7, तो 5 5 -3 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2. 5 5, अब 3 इधर का माइनस, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5. वाई की वैल्यू चाहिए, 5 by 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 16, 20 and 24. पहले जब भी डिविजिबल बाय आता है तो क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे. एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, 20, 24. ठीक है, देखो 4 times 4 5 6. देखो आप आरएमसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैं आरएमसी लेवल से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ. ठीक है, एलसीएम क्या जाएगा, देखो 5 3 15 15 2 30 32 60 64 240. अब देखो हमें क्या चाहिए कि एक लीस्ट नंबर चाहिए जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो. ठीक है, अभी देखो 240 का कौन सा मल्टीपल होता है, मल्टीपल चेक कर सकते हैं हम कैसे, मल्टीप्लाई करके. देखो दूसरा तरीका, देखो पहला तरीका तो मैंने बताया था क्या, मल्टीप्लाई करके. देखो दूसरा तरीका, देखो देखो आपस में 4 क्या है, 4 भी एक स्क्वायर बन रहे हैं, 2 × 2, ये भी एक पेयर बना रहे हैं अपने, ये भी एक पेयर बना रहे हैं. पेयर क्या नहीं बना रहे, 3 और 5, ये दोनों मिलके क्या है, पेयर नहीं बना रहे, क्योंकि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पेयर बनने चाहिए थे, तो स्क्वायर में पेयर बनने चाहिए थे, 3 और 5 के नहीं बन रहे, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो 5 से. ठीक है, 5 3 15, 0 आ गया. 15 × 24 कितना होता है, देखो 15 4 60, 0 6, 15 2 3600 आ गया. आंसर विल बी 3600. देखो कैसे, मैं समझाता हूँ वापस, 16 20 24, मैंने सीधा पहले 4 से कर दिया था, मैंने 2 से कर दिया था, 8 10 12, 2 से किया वापिस 4 5 6, 2 से किया 2 5 3, फिर से 2 से किया 1 5 3, फिर 3 से किया 1 5 1, फिर 5 से किया 1 1 1. अब देखो पेयर किस किस के बन रहे, एक पेयर बनना 2 का, एक पेयर बनना 2 का. स्क्वायर होता तो स्क्वायर में क्या होना चाहिए, पेयर बननी चाहिए. 3 और 5 के नहीं बन रहे, तो मैंने 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, 2 bus tickets from city A to B and 3 tickets from city A to C cost ₹77. ठीक है,
बट थ्री टिकट्स फ्रॉम ए टू बी एंड टू टिकट्स फ्रॉम ए टू सी कॉस्ट ₹73। वॉट आर द फेयर फॉर सिटी बी टू सी फ्रॉम ए? ओके देखो, ए टू, लेट ए टू बी क्या हो जाएगा, ए टू बी फेयर क्या हो जाएगा, एक्स, ए टू बी फेयर, ठीक है, बी, ए टू सी फेयर देखो, ए टू सी फेयर देखो, ए टू सी फेयर कितना जाएगा, वाई, ठीक है। अब पहले कितनी टिकट खरीदी थी, ए टू बस टिकट फ्रॉम सिटी ए टू बी, 2x प्लस थ्री टिकट फ्रॉम सिटी ए टू सी, 3y कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। बट थ्री टिकट फ्रॉम सिटी ए टू बी, ए टू बी के x, 3x एंड टू टिकट फ्रॉम ए टू सी, 2y कितना हो जाएगा, 73, ठीक है। अब इसने क्या बोला, व्हाट आर द फेयर फ्रॉम बी टू सी फ्रॉम ए, मतलब जो बी और सी का फेयर क्या है ए से, क्या बोला है, बी और सी का फेयर क्या है ए से, ठीक है। पहले हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमें फेयर एक मिल जाएगा। देखो अब इस इक्वेशन क्या बनाते हैं, देखो यहाँ क्या, 2x प्लस 3y कितना है, 77। अगर मैं इसको पूरे को क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये भी यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, देखो 6x प्लस 9y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 77, 3 और 210 एंड 210 एंड 21, 231, ठीक है, 6x प्लस 4y कितना हो जाएगा, 146, ठीक है। अब इसी के फिर ये क्यों इक्वेशन क्या होगी वन, ये क्या होगी इक्वेशन टू। अब पहली वाले में से मैं दूसरे वाले को माइनस कर देता हूँ, माइनस किया लो, माइनस का साइन लगाता हूँ, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस करता हूँ, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, 5y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन में से 6 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 85। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85 अपॉन में 5 कितना आ जाएगा, 17 रुपीज, ठीक है। अब देखो यहाँ आप वैल्यू रख के देख सकते हो, देखो 2x प्लस 3y कितना था स्टार्टिंग में, 77, 2x प्लस 3y, 3 इंटू 17 कितना गया, 51 विल बी इक्वल टू 77। x की वैल्यू फाइंड कर लो, 2x विल बी इक्वल टू 77 माइनस 51, 2x विल बी इक्वल टू 26, x की वैल्यू निकाल लिए, 26 अपॉन में 2 क्या जाएगी, 13। एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू कितनी है 13 और वाई की वैल्यू कितनी है 17, मीन्स ए टू बी कितना है ₹13 एंड ए टू सी कितना है ₹17, ये हमारा आंसर आ गया। डिवाइड द नंबर 2,62,44 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्या चाहिए, क्वेश्चन एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है, क्या करेंगे, देखो इसको 2,62,44 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देखो 2,13,122 फिर से 2 से किया 6,561 फिर 3 से किया 2,187 फिर वापिस 3 से किया कितना जाएगा 729 फिर 3 से किया 243 फिर 3 से किया 81 फिर 3 से किया 27 फिर 3 से किया 9 फिर 3 से किया 3 फिर 3 से किया 1, ठीक है। अभी देखना 2,62,44 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3 कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 × 3 करना है, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब के पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, एक, फिर ये नीचे वाले 3 ले लेते हैं, ठीक है, दो, कौन कौन से नहीं बन रहे हैं, ये और ये, तो कौन से नंबर से डिवाइड करोगे, सॉरी 2 × 2
मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, अगर इन नंबर से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा देखो ब्रैकेट में, यही तो क्वेश्चन आएगा ठीक। कितना 3 × 3 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, नंबर क्या होगा 36 ठीक है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 89 एंड 100, ठीक है स्क्वायर ऑफ 89 और स्क्वायर ऑफ 100 होगा ठीक है। 89 का 89 का स्क्वायर क्या होता है 7921, 1000 का स्क्वायर क्या होता है सॉरी 100 का स्क्वायर क्या होता है 10000, 100 क्या होता है 10000। अभी देखो हम क्वेश्चन क्या है बिटवीन में कितने हैं ठीक है, अगर बिटवीन की बात करेंगे तो 1000 वाला काउंट नहीं करेंगे और 7921 काउंट नहीं करेंगे, तो 1000 से 10000 से पहले वाला क्या है 9999 ठीक है, उसमें से पूरा ये 7921 माइनस कर दो, 7921 माइनस कर दो, बिटवीन की बात हो रही है ना 8702, तो कितना आ जाएगा 2078, कितना नहीं नंबर्स आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं पहले बात ये समझो, वन से लेके जो इनफिनाइट तक जाए ठीक है, अब कोई भी हो वन से बड़ा होना चाहिए, सारे वन से बड़े हैं देखो 7921 से, 7921 से बड़े मतलब वन से भी बड़े, कितने आ जाएंगे 2078 नंबर्स। देखो अब आप बोलोगे सर आपने 10000 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, देखो अगर मैं 10000 में से माइनस करता तो इनमें से एक 10000 में से यार एक तो रह ही जाता ना, इनमें से एक कॉमन रह जाता ठीक है, इसलिए मैंने 9999 में से माइनस किया क्योंकि 10000 हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। देखो आप बोलोगे कि मैंने 10000 इंक्लूड नहीं किया, देखो हमें क्या है 10000 के बीच वाले चाहिए, अगर मैं 10000 में से 7921 को माइनस करता है कितना 7921 को माइनस करता है तब आंसर क्या आता है 2079, लेकिन यहाँ पे 10000 वाला तो इंक्लूड होता है ना, हमें क्या चाहिए इनके बीच वाला चाहिए, इसलिए मैंने 9999 में से माइनस किया ठीक है, तो क्या आएगा 2078 नेचुरल नंबर्स। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 4235 इन 3 होल 1/2 ईयर्स एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके ठीक है, हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है, एस आई नॉट गिवन ठीक है, और हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल पूछा है। देखो मान लो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है ठीक है, अगर मैं इंटरेस्ट लगाता हूँ इस पे कितना 3 होल 1/2 ईयर्स कितना हो जाएगा 7/2 ईयर्स ठीक है, 7/2 ईयर्स इंटू 6/100 कितना परसेंट लग जाएगा देखो 21% क्या लग जाएगा एस आई ठीक है। अमाउंट क्या होता है देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है एस आई प्लस प्रिंसिपल, एस आई कितना होगा 21% 3 साढ़े 3 साल में, और प्रिंसिपल कितना था 100%, दोनों मिला कितना होगा 121% ठीक है। अब देखो अमाउंट इक्वल के यहाँ पे 4235, 121% विल बी इक्वल टू कितना हो गया 4235, हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, 4235/121 × 100 ठीक है। अब देखो डिवाइड कर लेते हैं 4235/121 3 times 363 065 ठीक है, 605 हो गया। अब 5 times करेंगे कितना आ जाएगा देखो 605 कितना आ जाएगा 35, जो मैंने डिवाइड किया था कितना आ गया 35, और 35 × 100 कितना हो गया 3500 ठीक है। आंसर कितना आएगा सम, हमें सम पूछा था सम कितना आ गया 3500। अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकेंड, देखो जब भी पोल को क्रॉस करती है, पोल को क्रॉस करते हैं तो क्या हो गया डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन ठीक है। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम ठीक है, अब देखो स्पीड तो है किलोमीटर में टाइम है सेकंड में, स्पीड को चेंज कर दो 90 किलोमीटर पर आवर × मीटर पर सेकंड, 90 × 5/18 18 5 जा कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 × 25, 25 5 जा 125, 375 मीटर।
डिस्टेंस हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर है डिस्टेंस के, लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी इक्वल टू 375 मीटर। चलो इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। अभी देखो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4n दिख रहा है, देखो 4n 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 4n, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 4n प्लस 2 का मतलब क्या होता है, 4n इनटू 4 की पावर 2, ठीक है, माइनस 4n प्लस 1 का मतलब क्या होता है, 4n इनटू 1 मतलब इनटू 4, ठीक है, 4n इनटू 4 अपॉन में देखो 5 इनटू 4n माइनस 4n, कॉमन क्या लिख हो गया, 4n ऊपर कॉमन, 4 की पावर 2 माइनस 4, नीचे क्या हो गया, 4n 5 माइनस 1, ठीक है, 4n से 4n कैंसिल, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4, और यहाँ क्या हो गया 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4, 12 बाय 4 क्या हो गया, आंसर विल बी 3। देखो कॉमन लेना होता है और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई, ठीक है, देखो एक एक इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x प्लस वाई प्लस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू कितना होगा 180, देन 3x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। अभी देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं 1, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट केस, सेकेंड, अभी देखो 2x माइनस 5 दोनों क्या है, देखो 2x माइनस 5 किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2x माइनस 5 किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, ठीक है, 2x माइनस 5 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, क्या हो जाएगा y। अभी देखो देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2, ठीक है, इक्वेशन 2 मिल गई, क्यों क्यों हो गए इक्वल, क्योंकि हो गए अल्टरनेट एंगल्स, क्या हो गए अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं इसे 2x विल बी इक्वल टू 5 प्लस वाई, 2x लिख सकते हैं 5 प्लस वाई, ये y की हमें वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, क्या एक मिनट, y की वैल्यू मिल चुकी है, हम क्या लिख सकते हैं y की जगह 2x माइनस 5, ठीक है। अभी देखो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 5, देखो 3x प्लस वाई कितना था 120, पहले पहले इक्वेशन 1 में, अब वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 5, 3x प्लस 2x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, 5x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, हमें क्या चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए, 5x विल बी इक्वल टू 120 प्लस 5, क्योंकि इधर माइनस था साइड चेंज कर रहे तो प्लस 5 हो जाएगा, 5x विल बी इक्वल टू 125, x की वैल्यू क्या हो जाएगी एक मिनट, 5 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 125 अपॉन में 5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 डिग्री, x की वैल्यू कितनी 25 डिग्री, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू इक्वल भी कितनी थी 2x माइनस 5 के बराबर थी, तो y विल बी इक्वल टू 2 इंटू 25 माइनस 5, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50 माइनस 5, y विल बी इक्वल टू 45, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 45, x की वैल्यू आ गई 25, x कितनी 25। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो 3x प्लस y प्लस 60 डिग्री करोगे तो 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है, चेक भी कर सकते हो कि आपका ट्रायंगल ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 24, 36, 48 लीव्स द रिमाइंडर 21, 33, 45 रिस्पेक्टिवली। पहली बात तो जब भी डिवाइडेड बाय आया तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की, ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखो, ठीक है। अब देखो 24 में से 21 माइनस करो, ठीक है, 33 में से, सॉरी 36 में से 33 माइनस करो, क्योंकि हमें क्या फाइंड करें, कॉन्स्टेंट फाइंड करना है, ये भी 3 ये भी 3, 48 में से 45 माइनस करो ये भी 3, जब भी ऐसा केस होता है कॉन्स्टेंट सेम आए, क्या है कॉन्स्टेंट सेम आए, अभी देखो कॉन्स्टेंट आ गया तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम निकाल लो 24 36 48 का एलसीएम, एलसीएम माइनस कांस्टेंट, ठीक है, इनके एलसीएम देखो 24 36 48 का एलसीएम निकालते चलो, 12 2 जा 3 जा 4 जा 2 टाइम्स 1 3 2,
से टू टाइम्स, 1 3 1, 3 से 1, 1 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 से मल्टीप्लाई किया 144। अब देखो कांस्टेंट एलसीएम कितना है, 144 माइनस कांस्टेंट कितना था तीनों केस में, 3, आंसर विल बी 141। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 3x-7 इज इक्वल टू 1/y एंड x+1/y इज इक्वल टू 1। ओके देखो इक्वेशन क्या है, 3x-7 इज इक्वल टू 1/y, ठीक है, और x+1/y क्या है, 1। अब देखो 1/y की वैल्यू क्या है, 3x-7, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/y की जगह क्या लिख सकते हैं, 3x-7, x+3x-7 विल बी इक्वल टू 1। अब देखो 4x-7 इज इक्वल टू 1, 4x, अब -7 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7+1 कितना होता है 8, 4x विल बी इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या जाएगी 8/4, क्या हो गया 2, x की वैल्यू 2 मिल गई। अब देखो 1/y की वैल्यू कितनी है, 3x-y -7 के बराबर है, x की तो हमें 2 मिल गई। अभी देखना 1/y विल बी इक्वल टू 3 × 2, 6-7, 1/y विल बी इक्वल टू -1, ठीक है, कितना हो जाएगा -1। अब देखना y की क्या हो जाएगी, अब y अगर हमने ये रेसिप्रोकल किया तो इसको भी रेसिप्रोकल करूंगा, 1/-1, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। आप चेक भी करके देख, चेक करके देख सकते हो, वैल्यू पुट करके देख लो, इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी। जैसे देखो 2 लिए, y की वैल्यू क्या, -1, 2-1, 1/-1, -1 बात ही बराबर तरीके से, तभी आंसर क्या आ रहा है 1। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तभी तो आ रहा है आंसर, नहीं कर रही होती तो आंसर ही नहीं आता। इफ टू मैन एंड फाइव वुमेन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 4 days व्हाइल वन मैन एंड वन वुमेन कैन फिनिश इट इन 12 days, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू वन मैन टू डू द वर्क। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मैन या वुमेन इनटू इनटू क्या जाएगा, डेज। अब देखो दोनों तरफ काम तो सेम हो रहा है, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 मैन + 5 वुमेन इंटू क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा 4, और दूसरी तरफ वर्क क्या हो जाएगा, काम दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज हो रही है, 1 मैन + 1 वुमेन × 12, अभी आपस में इक्वल भी तो हो जाएगा, 8 मैन + 5 वुमेन, सॉरी 8 मैन + 20 वुमेन, ठीक है, विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको करता हूँ 12 मैन + 12 वुमेन, ये आपस में, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, 8 मैन + 20 वुमेन विल बी इक्वल टू 12 मैन + 12 वुमेन, ठीक है। अभी देखना, अभी देखो अगर मैं 12 मैन को, मतलब 8 मैन को इधर लेके जाता हूँ और 12 वुमेन को इधर लेके आया, तो 20 वुमेन - 12 वुमेन और इधर 12 मैन - 8 मैन, ठीक है, ये हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, एक की एफिशिएंसी कितनी है, 8 वुमेन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मैन, ठीक है। अब देखो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 4 2 जा, तो 1 मैन विल बी इक्वल टू 2 वुमेन हो गया, यहाँ तक केस हमें मिल गया, 1 मैन किसके बराबर है, 2 वुमेन के बराबर है, ठीक है। अभी देखो हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, वर्क कितना था देखो 12 मैन + 12 वुमेन, ठीक है, मैन किसके बराबर है, 2 वुमेन के बराबर है, तो 12 वुमेन में कितने मैन होंगे, 12 वुमेन में कितने मैन होंगे, 12/2 कितने हो जाएंगे, 6 मैन, कितने हो जाएंगे, टोटल वर्क कितना हो गया, 12 मैन + 6 मैन कितना हो गया, 18 मैन, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 18 मैन / मैन 18 डेज, देखो कितना सिंपल है। डिवाइड 250 × 3 पार्ट्स सच दैट सेकेंड इज 80% ऑफ द फर्स्ट एंड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्या है। ओके, 3 पार्ट के नाम लिख देता हूँ, ए बी सी, ठीक है, क्या लिख दिया, ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अभी देखो ए रेशियो सी गिवन है कितना है, 5:8, ठीक है। अभी देखो ए रेशियो बी क्या बोल, ए और ए क्या बोला है,
सेकेंड इज 80% ऑफ ए, बी इज इक्वल टू 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए, बी विल बी इक्वल टू 80 अपॉन में ए इंटू ए अपॉन में 100, 24 जा 25 जा। अब देखो बी विल बी इक्वल टू 4a अपॉन में 5, ठीक है। अभी देखो ए विल बी इक्वल टू बी, इधर मन बी को इधर ले आओ, ए अपॉन में बी क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 को इधर भेजो 4 इधर आ जाएगा, बी फिर इधर भी ले आओ, ठीक है। समझा देता हूँ, देखो बी विल बी इक्वल टू क्या है 4a अपॉन में 5, ठीक है। अभी देखना 5 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा 5b, 5b विल बी इक्वल टू 4a, 4a में क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 5b अपॉन में 4 विल बी इक्वल टू ए। अब b क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा तो 5 अपॉन में 4 इज इक्वल टू ए अपॉन में b। अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 5 रेशियो 4। अब देखो दोनों तरफ क्या है, ए क्या है 5 की इक्वल, तो बी रेशियो सी भी इक्वल हो जाएंगे। देन मैं लिख सकता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी विल बी इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो 8, ठीक है। अभी मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइड करना है मुझे। पहली बात ही समझो, रेशियो में लेट ए विल बी इक्वल टू 5x, बी विल बी 4x एंड सी विल बी 8x। अब देखो तीनों का सम क्या होगा, अगर मैं तीनों के बीच में डिवाइड कर रहा हूँ तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, देखो 5x प्लस 4x प्लस 8x कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, देखो 250 है, कितना है देखो, मैंने अभी रीचेक किया है 4250, 250 नहीं 4250, क्या है 4250, ठीक है। कितना है 4250, कितना अगर मैं सम करूंगा इधर तो कितना हो गया 17x विल बी इक्वल टू 4250, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4250 अपॉन में 17। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 टाइम्स 34 250, x की वैल्यू क्या होगी 250। अब a का शेयर क्या हो जाएगा 5x था, 5 इंटू 250 1250, b का शेयर क्या हो जाएगा 4 इंटू 250 कितना 1000, c का शेयर क्या हो जाएगा 8 इंटू 250 2000। अब आप अगर कंफर्म करना है तीनों सम कर लो, कितना आएगा 4250। इन द फॉलोइंग फिगर ए इज पैरेलल टू बीसी, ए इज पैरेलल टू बी सी, ओके नो प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो अगर ए ही क्या है बी सी के पैरेलल है, ए इज पैरेलल टू बी सी, तो देखो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 11 डिग्री। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखो तो ये लाइन बन रही है और इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो देखो एक्स प्लस 11 तीनों एंगल लिख देता हूँ, एक्स प्लस 19 प्लस 2x प्लस y will be equal to कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसका सम करके देखता हूँ, x x 2x 4x प्लस y, देखो 4x प्लस y और ये कितना हो जाएगा प्लस 30 will be equal to 180 डिग्री, 4x प्लस y will be equal to 180 माइनस 30 डिग्री, 4x प्लस y कितना हो गया 150 डिग्री, इक्वेशन वन बन गई। अब देखो दूसरा अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे तो ए बी सी का एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180, ठीक है। देखो 2x प्लस y प्लस y माइनस 11 प्लस x प्लस 11 कितना हो जाएगा 180, ठीक है। माइनस 11 प्लस 11 आपस में कट जाएगा, 3x प्लस 2y विल बी इक्वल टू कितना हो गया 180, ठीक है। और 4x प्लस y कितना हो गया 150, ठीक है, इतना समझो बस। अभी देखो अब हम क्या कर सकते हैं, y को 2 टाइम्स करने कर सकते हैं, कैसे, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन को 2, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ले लो इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, देखो इक्वेशन 2, एक मिनट, इक्वेशन 2, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले वो करते हैं, इक्वेशन 1 क्या थी, 3 3x प्लस 2y विल बी इक्वल टू कितना है 180, इक्वेशन 2 क्या थी 4x प्लस y कितना हो गया 150, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी पूरे टाइम 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा
8x प्लस 2y विल बी इक्वल टू कितना होगा, 300। और इधर क्या है, 3x प्लस 2y 180। 3x प्लस 2y कितना है, 180। ठीक है, इक्वेशन लिख रहा हूँ बस, इक्वेशन टू मॉडिफाइड इक्वेशन वन। अगर मैं इक्वेशन टू में से, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस करता हूँ, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन, और यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5x 2y माइनस 2y 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 अपॉन में 5, कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आएगी, 24। x की वैल्यू आ गई 24। अब देखो इसमें 20, x की वैल्यू रख दो इक्वेशन वन में, x की वैल्यू रख दो y की भी आ जाएगी, 3 इंटू 24 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 72 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 72, 2y विल बी इक्वल टू 108, y की वैल्यू क्या देगी, 108 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। पहला x कितना हो जाएगा, 24 डिग्री, एंड y क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। अब पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 आवर, पाइप बी कैन फिल इट इन 1 आवर, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड, हाउ मच टाइम पाइप बी विल टेक इट टू फिल द रिमेनिंग टैंक। ओके, देखो पाइप बी, पाइप ए कैन फिल, एक मिनट, पाइप ए, एक मिनट, देखो पाइप ए कैन फिल इट इन 6 आवर्स। ठीक है, देखो ए, पाइप ए कितने भर सकता है, 6 आवर्स में, तो पाइप ए 1 आवर में कितना भरेगा, पूरे टैंक का 1/6। पाइप बी 1 आवर में भरेगा, 1 आवर कैन फिल इट इन 1 आवर, 1/6 पार्ट कैन फिल इट इन 1 आवर, कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, बोथ पाइप ए एंड पाइप पाइप बी कितने में करेंगे, 1/6 प्लस 1/8, 1 आवर की बात कर रहे हैं, इन 1 आवर कितना पार्ट भर देंगे, देखो एलसीएम लिया कितना, 24, 4 प्लस 3, तो कितना भर देंगे, 7/24 पार्ट भर देंगे। 2 आवर देखो कब तक साथ में काम कर रहे हैं, ये बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड, 2 आवर देखो, 2 आवर में कितना भरेंगे, बोथ पाइप एन एन बी इन 2 आवर, 2 × 7/24 कितना हो जाएगा, 14/24। ठीक है, अभी देखो अब क्या हुआ, रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग विल बी, रिमेनिंग 1 − 14/24 कितना हो जाएगा, 10/24। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट रहा है। अब इसने क्या बोला है, पाइप ए को हमने क्लोज कर दिया, पाइप ए को क्या कर दिया, क्लोज, अब भरेगा कौन, पाइप बी, रिमेनिंग क्या है, 10/24, इसके वर्किंग आवर कितना है, 10/24। पाइप बी, पाइप बी की एफिशिएंसी क्या है, पाइप बी कैन फिल 1/8 पार्ट इन 1 आवर, देखो ये रिमेनिंग के लिए पूछ रहा है कितना लेगा, रिमेनिंग कितना है, 10/24 डिवाइड बाय 1/8, 10/24 इंटू 8/1, तो कितना हो गया, 10/3 आवर्स, या और 3/1/3 आवर्स। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 60, 90 एंड 80। पहले आप एक काम करो, स्मॉलेस्ट नंबर तो फाइंड करो जो इनसे 60, 90 और 80 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहली चीज देखो ये क्या है, 10 से डिवाइड होते हैं, 6, 9, 8। ठीक है, 2 से किया 3, 9, 4, फिर वापस 2 से किया 3, 9, 2, फिर वापस 2 से किया 3, 9, 1, फिर 3 से कर लो 1, 3, 1, 3 से किया 1, 3, 1। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, एलसीएम लिया
एलसीएम तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो तीनों से कॉमन से डिवाइड होगा, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 72 720, 720 हो गए। अब इसको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है वो लिख लो, 5 डिजिट, 2 3 4, 10,000, 10,000 डिवाइड करो 720 से, 1 टाइम्स 720, रिमाइंडर विल बी 0 8, ये आ गया। 3 टाइम्स 2 1 6 0, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 640। ठीक है, अब देखो अगर 10,000 को 720 से डिवाइड होना है तो 640 तो ऑलरेडी इसके पास में, 10,000 प्लस 720 माइनस 640, हमें तो नंबर फाइंड करना जो डिवाइड हो जाए, 10,000 प्लस 80, 10,080 विल बी द आंसर। बोट गोज 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है समझा देता हूँ, डाउन स्ट्रीम मतलब लेट स्पीड ऑफ बोट एक्स प्लस वाई, सॉरी लेट स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया एक्स, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई होगा, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है मतलब पानी के बहाव के साथ जा रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो हमने डाउन स्ट्रीम में समझ लिया मतलब बहाव पानी के बहाव के साथ जा रहा है, अपस्ट्रीम क्या होता है, देखो अपस्ट्रीम होता उल्टा जा रहा है मतलब। ठीक है, अब देखो अपस्ट्रीम जाएगा तो जब बोट की स्पीड पानी का जो बहाव है उससे ज्यादा होगी तभी तो जाएगा, अपस्ट्रीम मिल गया डाउनस्ट्रीम मिल गया। ठीक है, अब क्या बोला, अब बोट गोज 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर्स एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स, फाइंड द बोट इन स्टिल वाटर। ओके देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इधर स्पीड मतलब क्या कर सकते हैं, देखो इधर ये डिस्टेंस गिवन दिए गिवन है और यहाँ पे क्या है 2.5 आवर्स, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, देखो इधर टाइम क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, अब देखो टाइम कितना था 2.5, टाइम कितना था 2.5 आवर, 2.5, 25 किलोमीटर अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या स्पीड है। ठीक है, पानी और उसकी पानी और बोट की मिला के, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। अब देखो 3 आवर किसके इक्वल हो जाएगा, अपस्ट्रीम वाला था क्या हो जाएगा 12 अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अभी देखना बस इतना, अभी हम इक्वेशन बना सकते हैं, यहाँ एक्स प्लस वाई क्या है, देखो एक्स प्लस वाई क्या है डिवाइड में हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कैसे हुआ 2.5 इंटू एक्स प्लस वाई 25। देखो और इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू 3 इंटू 12। अभी देखो एक इजी ट्रिक बताता हूँ, देखो अब आगे ना कैलकुलेशन कम हो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई में 3 को इधर ले आएंगे डिवाइड कर देगा, 3 क्या हो जाएगा डिवाइड कर देगा, क्या हो गया देखो डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा 4, सेम 2.5 क्या मल्टीप्लाई में 2.5 को साइड चेंज करा देते तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाय 2.5 ये आंसर आ जाएगा 10। अब हमें क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 10 एंड एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा 4। अब दोनों इक्वेशन में प्लस करता हूँ, दोनों इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ, तो क्या हो गया 2x = 14, एक्स क्या मिल गया 14/2 7, एक्स क्या थी स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट लो 7, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस वाई कितना है 10, अगर एक्स 7 है तो वाई कितना होगा 3, ऑलरेडी देखो कितना आसान है, हमें बस सिंपल बनाना आना चाहिए। अब ऐसे भी हो सकता था मैं 2.5x + 2.5y ऐसे भी करा सकता था। इन द गिवन फिगर LOM इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या है स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इसका वो कितना एंगल बना रहा है 180 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री प्लस x प्लस 5 क्या हो गया 180 डिग्री, 4x + 20 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 4x will be equal to 180 - 20 डिग्री,
फोर एक्स विल बी इक्वल टू 160 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160 डिग्री अपॉन में 4। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, आप चेक भी कर सकते करके देख सकते हो, 3 इंटू 20, 120 प्लस 15 क्या होगा, 135। यहाँ 20 प्लस 5 25, एक मिनट, 120 प्लस 15 135, और यहाँ 40 प्लस 5 45, दोनों का सम करके देख लो, 180 आएगा। द एरिया ऑफ द राइट एंगल इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना, 10 सेंटीमीटर, तो बेस क्या होगा, देखो पर राइट एंगल में बेस परपेंडिकुलर ही क्या होता है, हाइट होता है, हाइट और परपेंडिकुलर एक ही तो होता है राइट एंगल में, तो हाफ 10 सेंटीमीटर इंटू बेस, देखो कितना है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखना, अब ये क्या है, 2 क्या डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। पहले बात तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट जाएगा, बेस विल बी इक्वल टू 84 सेंटीमीटर अपॉन में 10, तो बेस क्या हो जाएगा, 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत ईजी था। देखो ये मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा, मैं बता देता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला। देखो आप आरएमसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको नॉर्मल बस फॉर्मूले बताओ, ठीक है। अ ट्रेन कवर्स डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इन 2 आवर, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, देन इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर, ओके। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। देखो दोनों की फॉर्मूला क्या, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस तो दोनों बीच में क्या रहेगी, सेम रहेगी एस, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस पहले क्या होता था, स्पीड इंटू टाइम, यहाँ कितना है, 2 आवर में करना है, तो यहाँ क्या हो गया, एस इंटू टू, डिस्टेंस क्या हो गया, 2s, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2s। और इधर जब वही डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इधर भी सेम रहेगा, देखो एस माइनस 6 करता हूँ, स्पीड में 6 माइनस करता हूँ, तो कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर, डिस्टेंस सेम रहेगा, 3s माइनस 18, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आप दोनों बराबर है ना आपस में, ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, देखो सेम डिस्टेंस कर रहे हैं, तो दोनों आपस में बराबर लिख सकते हैं, 2s विल बी इक्वल टू 3s माइनस 18, देखो कितना आसान है, 18 को मैं इधर ले आता हूँ और 2s को इधर ले आता हूँ, 18 माइनस का 18 प्लस का हो जाएगा, 3s माइनस 2s, स्पीड क्या आ जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस भी पूछा है, क्या पूछा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था, देखो स्पीड मिल गई 18, टाइम क्या 2, 18 इंटू 2 कितना हो गया, 36 किलोमीटर, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो स्पीड 18 है तो 2 आवर्स लगेंगे, अगर मैं 6 करता हूँ तो 12 किलोमीटर पर आवर होगी, तब 3 आवर्स लगेंगे, ठीक है। Sainik School and Military Schools offline and online courses are available at minimal cost. Jai Hind.